पाकिस्तान ने पीओके पर हमला कर दिया है। पीओके के लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने धावा बोल दिया है, लेकिन इस बार पीओके के लोग भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। प्रदर्शन पूरे पीओके में फैल गए हैं। देखिए कैसे पीओके के लोगों ने सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पीओके की जनता ने सेना से कहा है कि ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को सड़कों पर पीट दिया है। विवाद इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान की सेना ने टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। पाकिस्तान की सेना ने पीओके की छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बर्बरता की है उसे देखकर आपका खून भी खौल जाएगा। पीओके की ये बच्चियां बेहोश हो गई। ये तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पीओके में बवाल क्यों मच गया है। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके पर इसलिए हमला किया है क्योंकि वहां के लोग लगातार चीनी प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। पीओके में महंगाई आसमान छू रही है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं। पीओके की जनता के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक दिन के लिए आटा, दाल और चावल खरीद पाए। इसके अलावा पीओके की जनता का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनकी जमीनें छीन ली और उन्हीं जमीनों पर चीन के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए। इन लोगों को जमीन का मुआवजा तक नहीं दिया गया। इसीलिए पीओके के लोगों का कहना है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान और चीन ने मिलकर उनकी जमीन पर बनाए हैं, उसके मुनाफे का एक हिस्सा इन्हें भी मिलना चाहिए। बस इसी बात से पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। गुस्सा भी ऐसा कि पाकिस्तान की सेना ने पीओके की छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, इन बच्चियों के ऊपर टीयर गैस से हमला कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के बाद पीओके में कई बच्चियां बेहोश हो गई। कई बच्चियों को अब देखने में परेशानी भी हो रही है। ये बच्चियां अस्पताल में रो रही हैं। वैसे पाकिस्तान की सरकार भारत के एक बयान का गुस्सा भी पीओके पर उतार रही है। हाल ही में भारत की तरफ से बयान दिया गया था कि पीओके की जनता खुद भारत के साथ मिलना चाहती है और जल्द ही लोगों के मन की बात पूरी होगी।